फ्रेंड, माई सेल्फ भावना गोटड़िया। आगे के वीडियो में हमने पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची, उसके बड़े प्रश्नों के उत्तर की समझूती ली थी। अब आज हम पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची ये लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्न की पढ़ाई करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें वन है, माधवदास प्रकृति की छटा निहारने के लिए बैठते थे। कहाँ बैठते थे? क और कब बैठते थे? प्रातःकाल। ख सायंकाल, यानी कि सुबह का समय। सायंकाल यानी कि सोने के समय। ग दोपहर, वो कब बैठते थे? सायंकाल। तो यहाँ डैश करके सायंकाल में टिक करके सायंकाल यहाँ पे लिखना। नंबर दो, उस सुंदर चिड़िया की गर्दन का रंग था क लाल, ख पीला और ग काला। कौन सा था? लाल। यहाँ पे लिखना है लाल। फिर थ्री नंबर, उपवन में चिड़िया कहाँ आकर बैठी थी सबसे पहले? ओके, ऑप्शन क, जमीन पर। ऑप्शन ख, फव्वारे पर। फव्वारा यानी कि फुव्वारा। ऑप्शन ग, गुलाब की टहनी पर। यहाँ पे आपको गुलाब की टहनी पर लिख देना है। ओके ओके, इसके थ्री बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आप कॉपी डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख देना। और अब हम इसी लेशन के लघु उत्तरीय प्रश्न की पढ़ाई भी कर लेते हैं साथ में। ओके, यहाँ पे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, इसी पाठ के कंटिन्यू हम करेंगे। वन नंबर है, माधवदास की
सुंदर अभिरुचि। के आदमी हैं, कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि उनकी पसंद अच्छी है, सुंदरता उन्हें पसंद लगती है? तो उत्तर, उन्होंने क्या करवाया था? माधवदास जी ने बाग, बगीचे तथा कोठी की सुंदरता पर धन खर्च करते थे। इसलिए पता चलता है कि वह सुंदर अभिरुचि के आदमी है। नंबर दो, माधवदास चिड़िया से पूछा इतने प्रसन्न क्यों हो गए थे? तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, चिड़िया क्या थी? सुंदर थी। उसका फुदकना और खुशी से चहचहाना देखकर माधवदास उससे प्रसन्न हो गए थे। ओके, यहाँ पे दो ही है उसके लघु उत्तरीय प्रश्न और तीन उसके बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारा आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना है और उसे तैयार भी कर देना है। थैंक यू फ्रेंड्स।